हेलो फ्रेंड्स आई एम ईश्वर वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश लैंग्वेज की इस परफेक्ट ग्रामर और वॉकेब बिल्डिंग सीरीज में दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में ये एडजेक्टिव सीरीज का पार्ट नंबर थर्ड है दोस्तों यदि आप एडजेक्टिव के बारे में पूरा ज्ञान चाहते हैं तो आप इसके पहले के पार्ट नंबर वन और टू जरूर जरूर देखिए दोस्तों क्योंकि आप उसकी मदद से एडजेक्टिव को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे जी हाँ दोस्तों यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि हमें इंग्लिश सीरियसली सीखना है हमें इंग्लिश जो है सफलता के लिए सीखना है केवल एक फन टाइम या पास टाइम की तरह नहीं सीखना है तो ये वीडियो सीरीज बिल्कुल आपके लिए है क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर के हरेक पॉइंट के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं उतनी डिटेल में बात करने वाले हैं जितने से आपको सफलता मिल सकती है दोस्तों आप जानते हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता शॉर्टकट से हमारा केवल टाइम पास होता है हम केवल मनोरंजन कर सकते हैं लेकिन सफलता पाने के लिए हमें जरूरत होती है कठिन परिश्रम की बहुत ज्यादा डेडिकेशन की बहुत ज्यादा जो है समर्पण की बहुत ज्यादा कहना चाहिए त्याग की यानी अगर आप वास्तव में अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं सफलता पाना चाहते हैं तो आपको किसी भी चीज को टुकड़ों में नहीं आधा अधूरा नहीं पूरा पूरा सीखना पड़ेगा ताकि जब आप परीक्षा देने जाएं तो आपको एजिक्टिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बिल्कुल चुटकी बजाते ही बिल्कुल हल कर सको दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं एजिक्टिव का ये पार्ट नंबर थ्री इसके पहले के दोनों पार्ट जरूर देखिएगा दोस्तों यहां पर देखिए हम बात करेंगे एजिक्टिव के प्रकार के बारे में दोस्तों एजिक्टिव का जो प्रकार है ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको याद रखना है इनको एट प्रकार में यानी आठ प्रकारों में इनको डिवाइड किया गया है एजेक्टिव के आठ प्रकार होते हैं एजेक्टिव के उन आठ प्रकार में से पहला जो प्रकार है हम वन बाई वन उसको समझते हैं दोस्तों पहला जो पार्ट है उसको कहा जाता है एजिक्टिव ऑफ क्वालिटी इन्हें बहुत सारे एजेक्टिव ऐसे होते हैं जो क्वालिटी बेस्ड होते हैं किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का वो काम करते हैं आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इन्हें डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है अब एजेक्टिव के बारे में तो दोस्तों आप अभी तक समझ ही चुके हैं कि एजेक्टिव कहा जाता है किसी भी ऐसे शब्द को जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है यहां पर ये जो डिफिनेशन है ये एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पर भी पूरी तरह से फिट होती है क्योंकि एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे ही शब्द हैं जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं जैसे हमने कहा द ओल्ड मैन वॉज हेल्ड अस द ओल्ड मैन हेल्व जो ओल्ड शब्द है इस मैन की विशेषता बताने का इस मैन को डिस्क्राइब करने का इसकी क्वालिटी बताने का काम कर रहा है इसलिए जो ओल्ड शब्द है वो जो वर्ड है ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी द ओल्ड मैन वॉज अ अफुलिस मैन वॉज पनिस्ड अ फोलिस मैन वॉज पनिस्ड एक मूर्ख व्यक्ति को सजा दी गई तो फूलिस शब्द इस मैन की विशेषता बता रहा है दोस्तों द नावल इज न्यू एंड इंटरेस्टिंग ये जो नॉवल है वो न्यू है और इंटरेस्टिंग है यानी न्यू और इंटरेस्टिंग शब्द के द्वारा जो कि नॉवल की विशेषता बताई जा रही है नॉवेल को डिस्क्राइब किया जा रहा है इसलिए यह है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी द गर्ल इज लेजी द गर्ल इज ब्यूटीफुल द गर्ल इज इंटेलिजेंट द गर्ल इज एनर्जेटिक द गर्ल इज टॉल एंड फिट द गर्ल इज स्लिम ये जो वर्ड है दोस्तों टॉल एंड फिट स्लिम इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल एनर्जेटिक लेजी बिजी ये शब्द जो हैं चूंकि इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो गर्ल किस प्रकार की है उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं इसलिए इन शब्दों को कहा जाएगा एजिक्टिव ऑफ क्वालिटी दैट इज वाइट चेयर दैट इज अ वाइट चेयर दैट इज अ ब्लैक चेयर तो वाइट या ब्लैक शब्द क्या बता रहे हैं इस चेयर की विशेषता इट इज अ रेड फ्लावर ट इज अ ब्लू कलर बुक हिज डॉग इज ब्लैक हिज काउ इज वाइट तो दोस्तों ये शब्द क्या बता रहे हैं द डॉग इज वेरी फियर्स सो कोई डॉग है बहुत फियर्स है बहुत क्रूर है बहुत आक्रामक है बहुत खतरनाक है तो so, हमने उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया है द लाइन इज अ डेंजरस एनिमल तो डेंजरस शब्द जो है एनिमल की विशेषता उसको डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है दोस्तों सो so, पहला प्रकार है एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सेकेंड हम बात करते हैं एजेक्टिव का दूसरा प्रकार है दोस्तों एजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी क्वांटिटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों मात्रा क्वांटिटी ऑफ समथिंग किसी चीज की विशेषता ना मात्रा बताता है वो जैसे हमने कहा डज नॉट टेक मच टी भाई ज्यादा चाय नहीं पीता है तो इस टी की मात्रा जो है इस मच शब्द के द्वारा बताई जा रही है ये जो मच है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा क्योंकि इसकी मात्रा बता रहा है आई हैव सम टाइम मेरे पास टाइम है कितना है सम टाइम थोड़ा टाइम है तो सम शब्द के द्वारा समय टाइम uh, की विशेषता बताई जा रही है इसलिए इसको कहा जाएगा एडजेक्टिव एजिक्टिव क्वान्टिटी टैक्स अ लिटिल मिल्क तो लिटिल यानी थोड़ा सा अ लिटिल मिल्क मिल्क की क्वांटिटी बता रहे हैं लिटिल मिल्क अ लिटिल मिल्क द लिटिल मिल्क क्योंकि लिटिल शब्द के द्वारा मिल्क की क्वांटिटी बताई जा रही है इसलिए ये जो लिटिल है वो कहलाएगा एजिक्टिव ऑफ क्वांटिटी दैट सम राइज तो ये सम शब्द के द्वारा देखिए दोस्तों राइस की मात्रा बता रहे हैं हम इसको सम राइस भी कह सकते हैं तो इससे हमें पता चला कि राइस जो है थोड़े हैं इसको हम लिटिल राइस भी कह सकते हैं इन्हें हम जो है मच राइस भी कह सकते थे तो मच के द्वारा लिटिल के द्वारा सम के द्वारा चूँकि एजिकटिव की क्वांटिटी बताई जा रही है सॉरी नाउन की क्वांटिटी बताई जा रही है एजेक्टिव शब्द का प्रयोग करके तो हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों ऐसे शब्द जो किसी नाउन की क्वांटिटी बताते हैं उन्हें कहा जाता है एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये था एजेक्टिव का सेकेंड नंबर दोस्तों थर्ड पे हम आते हैं थर्ड टाइप का एजेक्टिव होता है दोस्तों एजेक्टिव ऑफ नंबर नाम से स्पष्ट दोस्तों ऐसा शब्द जो किसी समथिंग यानी किसी भी चीज के नंबर के बारे में बताता है द वर्ड दैट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ समथिंग उसे कहा जाता है ऑफ नंबर अब ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है दोस्तों फिर से इनको टू काइंड से हम डिवाइड कर देते हैं दो प्रकार के होते हैं ये एक होता है कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर बड़ा आसान है दोस्तों ये जो हमारे काउंट होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये सब कहलाते हैं कार्डिनल नंबर दूसरे होते हैं ऑर्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर में हम उनका क्रम बताते हैं उनका ऑर्डर बताते हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो ये जो क्रम होगा ये कहलाएगा ऑर्डिनल नंबर तो बड़ा आसान है दोस्तों वन क्या है कॉर्डिनल नंबर फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये क्रम में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जहां तक भी जाएंगे दोस्तों ये जो नंबर इस क्रम से चलेंगे ये कहलाएंगे कॉर्डिनल नंबर और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एथ नाइन्थ टेंथ इस क्रम में जब आप चलेंगे तो ये कहलाएंगे सब आपके ऑर्डिनल नंबर अब ये कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर है दोस्तों इनको और डिटेल में समझ लेते हैं इनके भी दो तो प्रकार होते हैं दोस्तों इनके ये जो दो प्रकार हैं इन्हें कहा जाता है डिफिनेट नुमेरल एजेक्टिव्स डिफिनेट नोमेरल एजेक्टिवस यानी डिफिनेट यानी ऐसे नंबर जो तय होते हैं जिनकी संख्या तय होती है बड़ा आसान है इसको समझना देखिए दोस्तों आई हैव टू मोबाइल्स तो यहाँ पर मोबाइल्स की संख्या तय हो गई कि मोबाइल कितने हैं दो शी हैज फाइव पैंस उसके पास पांच पेन हैं। तो यहां पर पेन्स की संख्या तय हो गई फाइव शब्द के द्वारा ही हैज टू ब्रादर्स ही got द फर्स्ट रैंक इन दिस एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन में उसकी रैंक तय हो गई कि उसको फर्स्ट रैंक ही आई है या सेकेंड आई है या थर्ड आई है तो दोस्तों बड़ा आसान है डिफिनेट नोमरियल एजेक्टिव कहा जाता है ऐसे शब्द को जिस शब्द के द्वारा किसी नाउन की या प्रोनाउन की स्पष्ट संख्या जैसे दे आर फाइव बे पांच लोग हैं तो फाइव के द्वारा दे की संख्या तय हो गई है बुक्स आर फाइव किताबें पांच हैं। देर आर फाइव बुक्स इन दिस बैग इस किताब में पांच इस बैग में पांच किताबें हैं देर आर टेन लेसन इन दिस बुक टेन लेसन हैं कहां पर हैं वो टेन लेसन के अंदर तो लेसन की संख्या हो गई टेन तो टेन जो वर्ड है वो कहलाएगा इन द रेफ्रिजरेटर तो बॉटल्स की संख्या हो गई सिक्स तो सिक्स कहलाएगा डिफिनेट नुमरियल नंबर तय हो गया कि बोटल की संख्या सिक्स है अब वो कितने भी हो सकते हैं फाइव हंड्रेड पीपल हंड्रेड बुक्स फिफ्टी पीपल ट्वेंटी फाइव बुक्स टू कार्स फाइव मोटरसाइकिल्स फिफ्टी पेन्स टू बैग्स तो जो शब्द किसी चीज की संख्या बताता है दोस्तों उसको कहते हैं डिफिनेट नोमरल एजेक्टिव नेक्स्ट दूसरे कुछ नंबर होते हैं दोस्तों जिन्हें हम कहते हैं इनडिफिनेट नोमरल एजेक्टिव इनडिफिनेट का मीनिंग है संख्या तो बताते हैं किसी चीज की लेकिन ये पता नहीं होता कि वो चीजें कितनी होती हैं जैसे मैनी बॉयज आर प्लेइंग देयर कई लड़के वहां खेल रहे हैं तो अब हमें पता है लड़के तो खेल रहे हैं उनकी संख्या भी है लेकिन वो कितने हैं ये नहीं पता एग्जैक्ट तो मैनी बॉयज आर प्लेइंग देयर सम बॉयज आर प्लेइंग देयर ऑल बॉयज आर प्लेइंग देयर तो ये मैनी सम ऑल जो है बता रहे हैं कि लड़के वहां खेल रहे हैं कई खेल रहे हैं कुछ खेल रहे हैं सारे खेल रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट संख्या नहीं होगी जब हम कहें टेन बॉयज आर प्लेइंग देयर तो ये डिफिनेट नोमरल एजेक्टिव है लेकिन मैनी बॉयज आर प्लेइंग देयर तो ये जो है इनडिफिनेट नोमरल एडजेक्टिव है ऑल गर्ल्स आर नॉट हेयर अगर हम कह रहे हैं ऑल गर्ल्स आर नॉट हेयर तो इंडिफिनेट हुआ फाइव गर्ल्स आर नॉट हेयर तो ये जो है डिफिनेट हुआ आई हैव नो बुक मेरे पास कोई भी किताब नहीं है तो ये जो है इंडिफिनेट है लेकिन मैं कहूँ आई हैव टू बुक्स तो टू जो है डिफिनेट है देर आर सेवरल ट्रीज इन द गार्डन गार्डन में कई सारे पेड़ हैं लेकिन संख्या नहीं मालूम आई हैव सम डाउट मुझे थोड़ा डाउट है लेकिन कितना है उसका संख्या नहीं मालूम है ही हैड फ्यू बुक्स उसके पास थोड़ी सी किताबें हैं शी डज नॉट प्ले एनी गेम भाई कोई भी खेल नहीं खेलती देर इज मच वॉटर here. यहां बहुत सारा पानी है ज्यादा पानी है तो ये मैनी ऑल नो सेवरल सम फ्यू एनी मच चूँकि किसी चीज की एग्जैक्ट संख्या नहीं बताते हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है दोस्तों इनडिफिनेट नुमरल एजेक्टिव तो आपने दोस्तों समझा एजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं कॉर्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर ये आपने समझ ही लिया होगा और उसमें भी दो प्रकार के होते हैं यानी डिफिनेट नोमेरल एजेक्टिवस और इनडिफिनेट नोमेल एजेक्टिव के बारे में आपको दोस्तों पता होना चाहिए आइए हम बात करते हैं दोस्तों अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव्स के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट एजेक्टिव है दोस्तों ये इसके बारे में अक्सर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं देखिए डिमॉन्सट्रेटिव एजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये दो शब्द हैं प्रोनाउन के बारे में भी हम डिटेल में पूरा बात करेंगे दोस्तों एक प्रोनाउन की भी पूरी सीरीज पे हम वीडियो बनाएंगे अभी हम बात कर लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव में और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है संकेत देना यानी जो किसी चीज को संकेत के माध्यम से बताए उसे कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव आर द वर्ड्स यूज टू पॉइंट बिच पर्सन और थिंग इज मीन किस पर्सन के बारे में किस थिंग के बारे में बात की जा रही है ये बताने वाले शब्द को डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव कहते हैं इसको याद रखना बड़ा आसान है दोस्तों केवल संख्या में चार होते हैं दिस दैट दीज एंड दोज अब डिमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव क्या है दोस्तों अगर इस दिस दैट दीज के डायरेक्ट बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव जैसे दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है तो दिस के बाद में ये पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात हो ये दिस बॉय यानी ये वाला लड़का इंटेलिजेंट है दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है तो दिस का प्रयोग किया गया है बॉय को इंडिकेट करने के लिए बॉय को पॉइंट करने के लिए इसलिए जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है दैट गर्ल इज माई कजिन तो पर्टिकुलर गर्ल की बात हो दैट गर्ल इज माई कजिन वह लड़की मेरी कजिन है तो दोस्तों दैट का प्रयोग किया गया है गर्ल को पॉइंट करने के लिए पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात हो रही है इसलिए ये कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव र गुड ये वाली किताबें अच्छी हैं तो दीज के डायरेक्ट बात देखें आप नाउन आया है बुक्स को ये पॉइंट कर रहा है तो यहां पर दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है दो पीपल आर काइंड बेलॉक काइंड है पर्टिकुलर पीपल की बात हो रही है कि दोस पीपल आर काइंड दीज पीपल आर काइंड ये भी याद रखें दोस्तों दिस का जो पिलरल नंबर होता है वो तो दीज होता है जैसे हम कहें दिस बॉय इज वेरी गुड तो दिस आएगा ये लड़के बहुत अच्छे हैं तो दीज बॉयज आर वेरी गुड तो दिस का पिल्वल नंबर होता है दीज और दैट का पिल नंबर होता है दोस्त दैट इज माई कजिन एक के बारे में बात करेंगे दैट इज माई कजिन दोज आर माई कजिन्स एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे दोस्त तो दोस्तों दिस बॉय दैट गर्ल दीज बुक्स दोज पीपल दोज बॉयज दोज स्टूडेंट्स दोज बुक्स क्योंकि इनके डायरेक्ट बाद नाउन का यूज कर रहे हैं तो ये कहलाएंगे दोस्तों डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वर्ड सेम यही रहेंगे दिस दैट दिस दो लेकिन आप देखिए दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय ये भी किसी नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होंगे लेकिन आप यहां देखें कि दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय दिस के बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों नाउन नहीं दिस के बाद बर्ब है यहाँ पर दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट दिस में बॉय है इज डिमोन्स्ट्रेटिव है एडजेक्टिव है लेकिन दिस इज वेरी अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय दिस के बाद चूंकि एक वर्ब है दिस के बाद डायरेक्ट नाउ नाउन नहीं है इसलिए कह रहा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट इज माई कजिन दैट के बाद देखिए दोस्तों तो वर्ब है दीज आर गुड बुक्स दीज के बाद वर्ब है दोज आर काइंड पीपल दोज के बाद वर्ब है यानी कि दिस दैट दीज दो के बाद डायरेक्ट कोई नाउन आता है तो उस पर्टिकुलर वर्ड को वो डायरेक्ट इंडिकेट करता है डायरेक्ट पॉइंट करता है इसलिए